बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों। मोहब्बत का बहुत ही पावरफुल अमल लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। कोशिश कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी बात स्किप ना हो, आपको मुकम्मल से आसानी के साथ समझ में आ सके। मेरा तरीका तो बड़ा आसान सा होता है समझाने का और यकीनन आप लोगों को समझ भी आता है। और ख़ास दुआ में अगर आप अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में अपना नाम और मसला बयान कर दें, इंशाल्लाह जल्द ख़ास दुआ में आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा। और अगर आप इस्तिखारा वगैरह करवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अपना और अपनी वालिदा का नाम लिख कर मुझे शॉर्ट सा मसला बयान कर वॉइस मैसेज कर सकते हैं, टाइप मैसेज कर सकते हैं, कॉल वगैरह ये बिल्कुल नहीं कर सकते। कोशिश होगी जल्दी जल्दी आपको जवाब दे दिया जाए। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। मोहब्बत का बहुत ही बेनज़ीर अमल लेकर आया हूँ। मियाँ बीवी के दरमियान अगर रंजिशें हैं तो बीवी भी कर सकती है, चाहे तो शोहर भी कर सकता है। इसी तरह किसी को भी अपनी मोहब्बत में अगर आपने दीवाना बनाना है तो ये अमल करें, इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल वो बंदा आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। अमल क्या है? आपने सुरमा लेना है। सुरमा इस्मत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई सा भी सुरमा जो आंखों में लगाया जाता है वो आप ले लें। और उस पर आपने क्या करना है, अव्वल आखिर तीन तीन बार दुरूद पढ़ लेना है पहले, और 21 मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। 21 मरतबा पढ़ना है, कम ज़्यादा नहीं पढ़ना। 21 मरतबा पढ़ने के बाद तालिब मसलन जो ये अमल कर रहा है, पहले वो अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम लेगा। मसलन 21 बार पढ़ा है, बिलफर्ज अशफाक भाई हैं वो कर रहे हैं, अशफाक बिन आगे ग़ुलाम फातिमा आगे उसने अपनी वालदा का नाम ले लिया। उसके बाद साथ ही उसने जिसके लिए किया है अपनी बीवी के लिए कर रहा है, तो बीवी का नाम बिलफर्ज रुखसाना बिनते परवीन यानी कि उसकी वालदा का नाम। बस ये करेगा और उस सुरमे पर ऐसे दम कर देगा। दम करने के बाद वो सुरमा लगाकर अपनी बीवी के सामने चला जाए। अगर बीवी कर रही अमल तो बीवी सुरमा लगा कर अपने शोहर के सामने बस घूमे फिरे, ठीक है। और जिसके लिए भी आप अमल कर रहे हैं लेकिन जायज़ मोहब्बत हो, नाजायज़ मोहब्बत के लिए अमल नहीं मैं दे रहा, जायज़ मोहब्बत हो, ठीक है। अब आप अगर आपके कोई सगे चचा आपसे नाराज़ है तो ये बिल्कुल चचा की नीयत से आप कर सकते हैं। कोई जायज़ मोहब्बत हो तो उसके लिए अमल आप कर सकते हैं। तो सुरमा लगाकर बस आपने सामने जाना है, इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। वीडियो यकीनन पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।